गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपको नाश्ता कर कर आराम से है समझ कर मैं आज की क्लास शुरू कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था आपको याद है? प्रीवियस क्लास में हुआ था हमारे मुस्लिम के त्योहारों के बारे में समझाया गया था। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न रूप के एक ही नाम से अनेक नाम के ये त्यौहार मनाया जा सकता है। ये त्यौहार के बारे में आप सीखे। चलिए आज हम ये त्यौहारों के बारे में कल हम सीखे थे ना, ये त्यौहारों के बारे में ही हम दूसरों को बताते हैं। हम किस रूप में बताते हैं? हम बताते हैं अब तो फोन है। पहले के पुराणों के जमाने में क्या को मारवाड़ा इसमें हम ये करते थे। कबूतर के साथ हम बेच जा करते थे एक राज्य से और एक राज्य को, और गुप्तचरों के साथ थे। अब है कुछ दिनों तक क्या पत्रों के रूप में हमारा दिल का बात समझाया करते थे, है ना चिल्ड्रन सर? अब तो फोन है, पर सेकंड में आपको दूसरों का विषय भी हम जान सकते हैं, हमारा विषय भी दूसरे जान सकते हैं। ऐसा आपके युग हुआ है। पहले आपके 10 साल के पीछे बहुत लेटर राइटिंग था। अब के स्कूल में भी आपको लेटर राइटिंग अवश्य है। ये लेटर राइटिंग में कौन कौन से विधि है? औपचारिक और अनौपचारिक दो विभाग है। आज हम पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हाँ, लेसन है पत्र लिखना। ये पत्र लिखना कैसे लिखेगा? हाँ, लेटर राइटिंग। आज हम लेटर राइटिंग सीखेंगे। क्या लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग के बारे में सीखे। लेटर राइटिंग के कौन कौन से विधि है? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है? औपचारिक है अध्यापक अधिकारी के अधिकारी लिखे जा सकते हैं, है ना? अध्यापक और अधिकारी। और ये मित्र कौन है? मित्र बाय वाहन कुटुंब के सदस्य। सदस्यों को हम लिखे जा सकते हैं, है ना? ये कुटुंब के हम सदस्यों को हम लिखे जा सकते हैं। ये कन्नड़ी व्यवहारिका विशेषण है। और पत्र लिखते समय पहले हम कैसे क्या
लिखना, वो किसे लिखते हैं उसका पता लिखना। कैसे? अब आपको एक आशा को लिखते हैं, आशा बेंगलुरु, बेंगलुरु देखो और मैं इसका सरल मीनिंग आपको बोलूंगी। 32 पेज नंबर पत्र लिखना, क्या लिखा, किससे, कौन लिखा, हम देखेंगे। चलो मैं पढ़ती हूँ, देखो क्या लिखा है, कौन लिखा है। अशोक बिहार दिल्ली, 27 जून 2020। प्रिय नामा, नमस्ते, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल से होगे। आज ही मैं ऊटी से लौटा हूँ, लौटते ही पिताजी ने तुम्हारा पत्र दिया। यहाँ जानकर प्रसन्नता हुई कि गर्मी की छुट्टियों में तुम शिमला गए थे। तुम्हें भी यहाँ जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं बता रहा, मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल मीन्स, सकुशल
कम प्यार है, इसे ऊटी गया था, ऊटी से आया है। लौटते ही पिताजी ने तुम्हारे पत्र दिया। मैं वापस आते साथ ही पिताजी फादर ने क्या दिया, लेटर दिया, किसे दिया, अनुराग को दिया। यहाँ जानकर प्रसन्नता हुई, ये सुनकर, ये जानकर क्या हुआ, हैप्पी हुआ, किसे, अनुराग। गर्मी की छुट्टियों में तुम शिमला गए थे, समर डे में, समर हॉलीडे में आप कहाँ गए थे, शिमला गए थे, ये जानकर बहुत खुश हुआ, मुझे जानकर खुश हुआ। ये नहीं तुम्हें भी यहाँ जानकर पसंद तो होगे, हाँ तुम्हें भी जानकर, हॉलीडे में तुम्हें तो शिमला गए थे, मुझ तुम्हें भी, आपको भी यहाँ जानकर हैप्पी हुआ था क्या कि हमारे विद्यालय से, मैं स्कूल में, हमारे स्कूल में ये विद्यालय के ओर से ये दल टूट गया था। अब चार पांच ग्रुप था, ये ग्रुप हमारे स्कूल के ये ग्रुप टूट गया था, कहाँ है था, ऊटी। हाँ मैं भी उस दल में शामिल था, मैं भी ज्वाइन था, इस दल में ऊटी जाने वाला का एक दल में एक मैं भी था। हम लोगों के दल में 20 सदस्य थे, हमारे ग्रुप में, अगर ग्रुप में और 20 मेंबर्स थे, हाँ 20 मेंबर्स थे, हमारे विद्यालय के एक अध्यक्ष हमारे साथ थे, स्कूल के वन टीचर हमारे साथ थे, कहाँ ऊटी जाने के लिए उनके साथ थे। हमने दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए गाड़ी पकड़े, क्या पकड़े, कोयम्बटूर के लिए गाड़ी, मिस रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पकड़े, ऊटी जाने के लिए रेलगाड़ी से कोयम्बटूर के लिए जाना था होगा, कोयम्बटूर ऊटी जाने के लिए कोयम्बटूर को जाना अवश्य है, नीड है, कहाँ कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के आफ्टर ही आने का कोर्स ऊटी, ऊटी के लिए कोयम्बटूर के रेलगाड़ी अवश्य, ट्रेन अवश्य होना। हम दिन में रेलगाड़ी में बैठे और दूसरे दिन सुबह नींद खुलने के साथ ही दक्षिण भारत में पहुंचे। हम हाँ फुल डे कहाँ बैठे थे, रेलगाड़ी में बैठे, आफ्टर टुमारो दिन सुबह मॉर्निंग को हम कहाँ गए थे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में हम गए थे। गाड़ी लगभग गाड़ी ट्रेन ऑफ 5:15 को कहाँ पहुँचे थे, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन को पहुँचा हुआ था, वहाँ पहले से ही हमारे लिए बस गाड़ी, बस गाड़ी थे पहले से, बिफोर ही पहले से ही गाड़ी वहाँ था, बस था कहाँ, ये ऊटी जाने के लिए। हम बस में बैठकर ऊटी के लिए खान रवाने हो गए, कहाँ हुए, ये ऊटी के लिए रवाने में चले गए। देखो चिल्ड्रन से ऊटी जाए तक मैं आज आपको लेसन दे रही हूँ, ये अशोक बिहारी को एक और अनमोल लिख रहा है, ये लेसन लेटर क्या लिख रहा है, ये पहले ये कहाँ गया था, ऊटी गया था, उससे आने से पहले ये लेटर आया था क्या, वो अशोक को कहाँ गया था, शिमला गया था, किस दिनों में, समर हॉलीडे में ये शिमला गया था। ये शिमला जाने का सुनकर इसे बहुत खुश हुआ, ये भी विद्यालय की ओर से ऊटी गया था, ऊटी जाते समय कैसे गया, रेल पकड़ कर रेल कमांडो पे जाकर कमांडो से ये ऊटी निकला, रवाना हुआ। मकड़े ना लेटर बरी फर्स्ट नावेनो ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ. ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು,
ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಿತ್ರರು. ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಅನ್ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಪತ್ರ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಒಕ್ಕಣೆ ಬರೆದು ನಾವು ಲೇಖನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕುಶಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಊಟಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಈ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು, 20 ಜನ ನಾವು ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ರೈಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ರೈಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ನಾವು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಸ್ ರೈಲು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು ತಿರುಪ ಆನೇ ದಿನ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಣ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ವಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 5:15ಕ್ಕೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟಿಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರ. ಕಲ್ ಮೈ ಇಸ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಸ್ಗೆ ಆಪ್ ಲೆಟರ್ ಕೈಸೆ ಲಿಖನಾ ಹೇ, ಲೆಟರ್ ಲಿಖತೆ ಸಮಯ ಕ್ಯಾ ಕಾ ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಲೆಟರ್ ಕೈಸೆ ರಹನಾ ಹೇ, ಯೇ ಆಜ ಆಪ್ಕೊ ಮೈ ಬತಾಯಿ ಹೂಂ, ಆಪ್ ಸಮಜ್ ಗಯಿ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಆಜ್ ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ತಿ ಹೂಂ, ಕಲ್ ಕಾ ಸಿರ್ಫ ಆಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೋಂಗೇ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಬ್ ತಕ್.